हेलो दोस्तों, सभी के पास अशोक नरवत का ही लीगल नोटिस क्यों आता है और ये कौन है अशोक नरवत। तो दोस्तों, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, मेरे पास क्या है, पहले मैं अपना दिखा देता हूँ, लेकिन आपको समझाऊंगा कि क्यों आता है। देखिए, अशोक नरवत एक एडवोकेट है, सिंपल है, एडवोकेट है। लेकिन आपका जो एडवोकेट है, क्या आपका है ये, क्या ये स्पेशल यही क्यों है, क्या आपके पास जो कचहरी पड़ती है, कोर्ट पड़ती है, उसका क्यों नहीं है? देखिए, इसके पास है एक लीगल 3 लॉ फॉर्म्स, क्योंकि ये फॉर्म जुड़ गया तो ये एक स्पेशल बन गया। इसका मतलब है कि इसने ठेका ले रखा है बड़ी बड़ी संस्थाओं, स्कूलों, कॉलेजों, इंडस्ट्रियल लेबरों, सबको न्याय दिलाने का। ये बात अलग है कि इस पर न्याय हो या ना हो, लेकिन इसके पास एक लाइसेंस है इस प्रकार का। देखिए, यहाँ पर जस्टिस फॉर ऑल, इसमें भी लिखा हुआ है, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। ये सभी को दिलाता है। बात खास ये है कि सिविल वालों को भी दिलाता है, क्रिमिनल वालों को भी, लेबर वालों को, इंडस्ट्री वालों को भी, और कंपनी को भी। इस प्रकार से 30 प्रकार के इसी तरीके से केस लड़ता है, 30 प्रकार के, ठीक है। और यहाँ पर इसने भी इसीलिए धनी का लोन ये पकड़ लिया है। धनी किसको देखती, आपके कोर्ट में देखती, वो बोल देता कि मेरे पास, तो वो बोल देता कि मैं न्याय दिला दूंगा। लेकिन लोन कितनों पे, काफी सारे व्यक्तियों पर लोन है, तो किस किसे देती, बहुत सारे एडवोकेट करने पड़ते हैं। लेकिन इसने क्या काम करा, एक फॉर्म पकड़ लिया यहाँ से, ठीक है। इसके पास सभी का ठेका है न्याय दिलाने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से कंपनी को दिखाता है, दिला देता है फॉर्म को भी, और आधा क्लाइंट भी, बहुत सारे क्लाइंट है इसके पास, ठीक है। लेकिन ये मामला कोर्ट में क्यों नहीं जाता, कोर्ट में भी तो जा सकता था, कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो भी तो कर देता, मतलब कि आपको न्याय दिला सकता था। लेकिन कोर्ट में कितने सारे जज होते हैं, काफी सारे जज नहीं होते, केवल वकील होते हैं। जज कितने होते हैं, हद से 10 होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। हाई कोर्ट है, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, उसमें भी 30 जज है, और अब 4 की बढ़ोतरी हो गई तो 34 हो चुके हैं। लेकिन एडवोकेट तो 3-4 हजार हर में ही भरे रहते हैं, ठीक है। काफी सारे चैम्बर है, उनका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट में क्यों नहीं जाता, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी है, 130 करोड़ की आबादी है भारत में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है। लेकिन यहाँ पर 45 करोड़ व्यक्तियों पर, हर 45 करोड़ पूरे भारत में 45 करोड़ व्यक्तियों पर लोन है। तो कोर्ट को तो केवल यही काम रह जाएगा कि लोन ही निकलवाना, केवल जो हर कोर्ट में कितने वकील होते हैं, अक्सर जज कितने होते हैं, 10, तो कोर्ट को ये काम नहीं रहेगा। इसलिए कोर्ट इसे रिजेक्ट कर देती है कि मेरा काम ये नहीं है, केवल अपनी मर्जी से कैसे ही करो, ड्राओ, क्लाइंट करो, एडवोकेट करो, कुछ भी करो, या फॉर्म पकड़ो। तो इसलिए कोर्ट ने ये कैंसिल कर रखा है कि जजों का जो काम है वो एक मुद्दे के अनुसार, जो अपना लीगल कोई भी होता है, एक्शन होता है, उसे करती है, ठीक है। ये पूरा ये मामला है, अभी तक तो कोर्ट में नहीं गया है, केवल इसे नोटिस वगैरह भेजे है, सभी को भेजा है, कुछ मतलब जो भी इनकी अथॉरिटी है वो कराए, क्योंकि वो कुछ नहीं पता। एडवोकेट जो होता है, एडवोकेट को तो कैसा ही केस दे लो, आप अपने मतलब किसी प्रकार का केस दे लो, मैं ये नहीं बोलता कि आपने बोल दिया कि आपने यहाँ ठोका क्यों, इस तरह का केस दे लिया तो वो भी पकड़ लेगा, ठीक है। लेकिन जजों का ये काम नहीं रह गया, जज केवल उस चीज पर, मुद्दे पर वो पकड़ रहे, ठीक है, उस तरीके से करते हैं। यदि कोर्ट में गया तो धनिया खुद ही ऑटोमेटिक फंस जाएगी। फंस कैसे जाएगी, धनी ने दिखाया कि 0% इंटरेस्ट, लेकिन 0% इंटरेस्ट कहाँ, आपने मान ली बात, लेट फीस आपने 1 महीने के 30 दिन होते हैं, ठीक है, उसमें किसी ने सब्सक्रिप्शन फीस भी दे रखी है, सब्सक्रिप्शन फीस यदि लेट हो गई, 2 दिन भी लेट हो गया, 5 दिन भी लेट हो गया, तो उस पर इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दे 36% तक का, ठीक है। यहाँ पर 36% तक का इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर 0% तो कभी भी नहीं इंटरेस्ट हो रहा, 0% कभी भी इंटरेस्ट नहीं हो रहा, 0% नहीं हो रहा। अगर महीने की देखी जाए तो सब्सक्रिप्शन फीस ले ली, और लेट देखा जाए तो इन्होंने पेनल्टी लगानी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर कोर्ट में गया तो धनी ऐप खुद ही फंस जाएगी। तो ये एक फॉर्म है, आप इसे समझ सकते हैं, ये न्याय दिलाए या न दिलाए वो बात अलग है, लेकिन ये इसीलिए इसका सभी के पास नोटिस आ जाता है। इसलिए अभी तक धनी ने जो ठेका दे रखा वो अशोक नरवत को दे रखा है, धनी एप्स का लोन निकलवाने का। वो अपनी मर्जी से किस तरीके से नोटिस भेजता है, किस तरीके से निकालवाता है, कौन सी धाराएं लगाता है, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना।